सो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो अपकमिंग स्मार्टफोन इन अगस्त की वीडियो के अंदर मेंशन किया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के बारे में, और फाइनली ये डिवाइस इस साल का सबसे फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन सीरीज होने वाला है, जहां पर सैमसंग की तरफ से ये डिवाइस आपको बहुत ही जल्द यानी 5 अगस्त को ऑनलाइन लॉन्च इवेंट के जरिए लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां पर आपको एक नहीं बल्कि 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 तो दूसरा होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में, जो कि सब कुछ सामने निकल कर आ चुकी है, बहुत ही कमाल का फ्लैक्सिप डिवाइस हो जाता है। तो अगर आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो हे गाइस, मैं हूं सुयोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सुयोम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोस हम लेकर आते रहते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर। सो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के 360 वीडियोस भी सामने निकल कर आ चुके हैं, जहां पर इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग लगती है। और गाइस, डिस्प्ले के अंदर बेजल्स बहुत ही कम होंगे, डिस्प्ले कर्व होने वाली है, और ओवरऑल यहां पर जो साइज होने वाली है डिस्प्ले की वो होगी 6.9 इंच, यानी बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि क्वाड एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आने वाली है। और यहां पर आपको डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और ये डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है, जहां पर आपको एचडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। तो ऐसे में आप अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर एचडी स्ट्रीम भी कर पाओगे, और डिस्प्ले कर्व होगी तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है डिस्प्ले को लेकर। बाकी डिस्प्ले के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। मतलब गाइस, अभी आसुस का आरओजी फोन 3 लॉन्च हुआ है, जहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिली है, बट ये पहला स्मार्टफोन होगा इंडिया के अंदर जहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। सो डिस्प्ले बहुत ही हार्ड और ओवरऑल बहुत ही कमाल की होने वाली है, जो कि ब्यूटीफुल लुक के साथ एक सेंट्रल पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 10 मेगापिक्सल यानी 10 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस फोन के बैक साइड लुक की, तो आप देख सकते हो जो बैक साइड लुक है बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कमाल की होने वाली है, जहां पर गाइस अगर हम बात करें कलर्स की, तो 2 कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पहला है मिस्टी ब्लैक एंड दूसरा है मिस्टी ब्रॉन्ज। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रॉन्ज कलर है ना, बहुत ही प्रीमियम फील कराने वाला है। सो ओवरऑल बैक साइड या फिर फ्रंट साइड बिल्ड क्वालिटी या फिर ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही कमाल की होने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोसेसर को लेकर, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के अंदर आपको अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग चिपसेट देखने को मिलेंगे, जहां पर अगर हम बात करें ग्लोबली यानी बाहर के कंट्रीज में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा पावरफुल स्नैपड्रैगन 865 प्लस, जो कि न्यूली लॉन्च चिपसेट है और ये एक 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट होने वाला है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया और कुछ कंट्रीज के अंदर आपको ये फोन एक्सोनोस के 990 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 865 प्लस से बहुत ही कमजोर चिपसेट है, मतलब आप बोल सकते हो कि इसका 50% है। तो ऐसे में गाइस, मुझे लगता है कि सैमसंग को ऐसा नहीं करना चाहिए और स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ पूरा ग्लोबली लॉन्च करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अब पता नहीं क्यों प्राइस कट करने के लिए फिर क्यों, बट ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर बात करें रैम वेरिएंट की, तो यहां पर आपको अप टू 12GB रैम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, LPDDR5X रैम होगी, 256GB स्टोरेज ऑप्शन और 512GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगी। अब चाहे स्नैपड्रैगन 865 प्लस मिले या एक्सोनोस 990 मिले, दोनों ही पावरफुल चिपसेट है, बट कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट थोड़ा सा आगे जरूर निकल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कैमरा को लेकर, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा लेंस बैक साइड में देखने को मिलते हैं, बट यहां पर आप कैमरा प्लेसमेंट देख सकते हो काफी ज्यादा उठा हुआ है, यानी कैमरा बंप आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं यहां पर दिया गया है 108 मेगापिक्सल यानी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस। और गाइस, यहां पर ये सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा वाला ही कैमरा होने वाला है, बट यहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे कैमरा के अंदर। जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, बग्स देखने को मिले थे कैमरा के अंदर, तो वो सारी चीजें फिक्स की जाएंगी। और अगर हम बात करें और लेंसेस की, तो 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। और गाइस, जैसा कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर 48 मेगापिक्सल का एक बहुत ही कमाल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिला था, बट इस फोन के अंदर आपको मिलेगा ओनली 12 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस, जहां पर आप 5x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे। और गाइस, जैसा कि आपने सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर 100x जूम सपोर्ट मिला था, तो यहां पर आपको वो कम देखने को मिलेगा, यानी 50x जूम सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो और गाइस, यहां पर आप 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बाकी आप बहुत ही कमाल की स्लोमो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ओवरऑल कैमरा को लेकर ये फोन काफी कमाल का होने वाला है, बैक या फिर फ्रंट कैमरा को लेकर। और अगर बैटरी को लेकर बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के अंदर आपको मिलेगी 4500 एमएच की बैटरी, यानी 4500 एमएच की बैटरी, और साथ में 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। और गाइस, ये 30 मिनट के अंदर आपको फोन को पूरा चार्ज करके रख देने वाला है। बाकी यहां पर आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिलेगी,
फास्ट रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलेगी। और इस फोन के अगर कुछ और कमाल के फीचर की बात करें तो ये फोन वाटर रेजिस्टेंस एंड डस्ट प्रूफ होने वाला है। डेटमस की IP68 की रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमस के साथ स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा। सो साउंड क्वालिटी और साउंड एक्सपीरियंस भी आपका कमाल का रहने वाला है। बाकी इस फोन के साथ आपको डुअल GPS, NFC, डुअल सिम सपोर्ट, 5G सपोर्ट, सो ओवरऑल सारी ही चीजें एक जैसे फ्लैक्सिप फोन के अंदर पैक करके आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये फोन बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैक्सिप फोन होने वाला है इस ईयर का। और गाइस फाइनली अगर हम बात करें इस फोन के प्राइसिंग की, सो इंडिया के अंदर सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 80,000 से लेकर यानी 80,000 से लेकर 1 लाख यानी 1 लाख तक जाने वाली है, जो कि बहुत ही फ्लैक्सिप कैटेगरी हो जाता है प्राइस को लेकर। तो ऐसे में आप क्या कहते हो इस डिवाइस को लेकर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।